एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। आज जुम्मा है, सो मैं नहा धो के नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और जुम्मे वाले दिन मैं सूर्य का हफ ज़रूर पढ़ती हूँ। आप लोग भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें। पहले नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ लंदन मूव हुई हूँ, 1.5 साल हो गया, मैं हर वीक ही पढ़ती हूँ, एवरी फ्राइडे। लंबी है, थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस में आ गई है तो इतनी देर नहीं लगती। खैर, अपडेट ये है कि नमाज हो गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह तो सुबह ही हो गया था, घर के सारे काम हो गए हैं। अब क्योंकि मैं फ्राइडे के लिए स्पेशल तैयार होती ही हूँ और मैं रेडी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ एसडा होकर आ जाऊँ। एसडा मुझे जल्दी थोड़ा कुछ काम करना है, कुछ चीज़ें घर की लेनी है, तो वो जल्दी से लेकर आते हैं, फिर जिम भी जाएंगे और बाकी दिन को कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। खाने की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है, खाना बना के मैं जाऊँगी फिर निकलूँगी, ताकि मुझे सुकून हो, टेंशन ना हो कि खाना बनाना है या जो भी है। सो मैं खाने में बना रही हूँ आज जुकीनी। आई डोंट नो इसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, मैंने कभी पाकिस्तान में ये नहीं खाई, मगर यहाँ पे तुरई नहीं मिलती है और ये जो है ना, ये बिल्कुल तुरई की तरह टेस्ट है इसका, लाइक एग्जैक्ट तुरई वाला टेस्ट है इसका। सो हम ये बनाएंगे, यानी कि मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए प्याज टमाटर मैंने काट लिया है और साथ में मैंने ये मसाला लगा के चिकन रख दिया है। कोई ख़ास मसाला नहीं है, सारे घर के मसाले मैंने डाल दिए थे, शान के जो पैकेट मसाले होते हैं वो ख़त्म हुए हुए हैं, बस इसमें पेपरिका मैंने डाल दिया था ताकि थोड़ा कलर आ जाए। देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका। सो पेपरिका मैंने डाल दिया था, बाकी सारे जो खुले हमारे घर के मसाले होते हैं वो डाल दिए एज़ पर टेस्ट एंड दही, और एक चम्मच तेल लगा के मैंने इसको छोड़ दिया है। अब जब तक मैं बाकी खाना बनाऊंगी ये मैरिनेट हो जाएगा, तो आज चिकन को मैं एयर फ्रायर कर लूँगी, साथ में तुरई और राइस होंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ये 2 पीस है, खाड़ी से लिया था एंड फ्राइडे था तो मैंने आज पहन लिया, पाकिस्तान गए थे तो लेकर आए थे। इसकी मुझे डिटेलिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे सी शेल के साथ उन्होंने थोड़े से पॉम्पम्स लगाए हुए। एनीवेज, स्कार्फ तो मैं मैच कर ही लेती हूँ मिक्स एंड मैच करके, और थोड़े ढीले कपड़े इसीलिए रखती हूँ ताकि बस स्कार्फ से काम चल जाए। मुझे ना आजकल ऐसे 2 पीस प्रिंट ऑन प्रिंट बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं बहुत सारे ख़रीद के भी आई हूँ पाकिस्तान से। सो वी आर हेयर एट एस्डा और शॉपिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी। यार यहाँ पे आके ना बस बंदा घर की चीज़ें ही देखता रहता है, फालतू में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, फालतू में ख़र्चा हो जाता है फॉर नो गुड रीज़न। आई रियली वॉन्ट टू बाय दिस बुक, लेकिन यार अभी इतनी सारी बुक्स घर पे रखी हुई हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, पहले वो ख़त्म करूँगी फिर लूँगी। बट मुझे ये काफ़ी दिनों से लेनी थी, होपफुली लेके जाऊँगी। लाइफ का टफेस्ट डिसीजन कि मैं स्क्रब मॉमी लूँ या ना लूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और जो नॉर्मल मिलते हैं वो मिल जाते हैं 1 pound के। सो शुड आई गो फॉर दिस और दिस, समझ नहीं आ रहा यार। चलें जी, ऑलमोस्ट हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। बहुत ही लंबी लाइन है भाई सेल्फ चेकआउट के लिए। जल्दी से आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या लेकर आई हूँ, बहुत थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ, चलिए से आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर रखते हैं जगह पे सब कुछ। ये है जी सामान जो मैं सारा लेकर आई हूँ। एक कढ़ाई चाहिए थी मुझे नॉनस्टिक काफ़ी टाइम से, सो ये ले लिए मैंने, डिस्काउंट पे लगी हुई थी एक्चुअली, मैं वेट कर रही थी कि डिस्काउंट मुझे मिले तो मैं ये लूँ। अपने जिम के लिए वाटर बॉटल ली है, एक वाटर बॉटल हस्बैंड के ऑफिस के लिए ली है, क्योंकि जो उनकी ऑफिस वाली थी वो कहीं गुम हो गई है गॉड नोज। ये फोम लिए हैं, इसके अलावा रेडॉक्स लिए हैं 2, एक अपने लिए है एक हस्बैंड के लिए है, ये दोनों लिए हैं। उसके अलावा ग्लव्स मेरे ख़त्म हो गए थे, क्लीनिंग ग्लव्स वो लिए हैं। ये मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ जब कभी कबाब वगैरह बनाने होते हैं, सो ये नॉन पाउडर ग्लव्स होते हैं, सो दे आर सेफ़ टू यूज़ फॉर कुकिंग। इसके अलावा ये मैं एक क्लीनिंग ब्रश ये लेकर आई हूँ, यार मैं इसको ट्राई करना चाह रही थी और कुछ बॉटल्स वगैरह के अंदर डालने के लिए भी, कुछ यू नो चीज़ों के अंदर डालने के लिए, धोने के लिए। ये टूथपेस्ट चाहिए था, और हाँ मैं लेकर आई हूँ थिक ब्लीच और हार्पिक, ये ख़त्म हो गए थे। एंड मैं लेकर आई हूँ
फ्लावर्स। बस अब इन फूलों का वक्त ख़त्म हो चुका है। वैसे उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, ये 2 हफ्ते से हैं और ये अभी तक भी ख़राब नहीं हुए हैं। सो मुझे आज भी यही लेने थे पर ये दिखे नहीं, तो मैंने कहा चलें फॉर अ चेंज ट्यूलिप्स ले लेते हैं। सो ट्यूलिप्स लिए हैं मैंने, एंड मैंने एक अपने लिए नाइट वेयर लिया है, दैट्स इट। ये सारा सामान था। और यार ये बैग इतना कोई फिट है ना, ये मैं खादी से जो मैं लेकर आई थी ग्रॉसरी वगैरह के लिए, आज मैं ना इसी को ले गई थी, एंड बिलीव मी ये इतना सही रहा, इसने हैंडबैग का काम भी कर दिया और ये सारा सामान भी इसके अंदर आ गया। सो इट वॉज अ गुड परचेज। बस चलें अब जल्दी जल्दी लगते हैं काम पे, ये सारी चीज़ें मैं जगह पे रखती हूँ। और उसके अलावा मुझे जिम जाना, जिम मेरा बहुत लेट हो गया। फ्राइडे को यही होता है, नमाज जुम्मे की तमाम से पढ़ी जाती है, फिर सूर्य का हाफ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने खड़ी हो गई थी निकलने से पहले, वो सब कर करा के गई वापस आई, जिम बहुत लेट हो गया है। इस वक्त वैसे रोशनी है बाहर, लेकिन इस वक्त 8 बज रहे हैं, मगर मैं जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी, गैप नहीं आने दूँगी, वरना फिर मोटिवेशन बहुत लो हो जाती है। बेशक थोड़ी देर कर कर आऊँ, लेकिन जाऊँगी जिम। सो जिम जाते हैं अब। डेट इज़ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, अगर मैं चली भी जाती जिम तो मुझे वापस आते आते सनसेट हो जाता, हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक्सरसाइज करी, एक 30 मिनट्स वाली और एक मैंने 17 मिनट्स वाली स्टार्ट की थी, बट वो मुझसे हुई नहीं। मैंने कार्डियो किया एंड आई डिड दी एक्सरसाइज। जिम जैसी तो नहीं हो पाई, उतना स्टेमिना नहीं है कि घर पे खुद से हो जाए, बट एटलीस्ट आई डिड समथिंग गुड। काफ़ी सारी स्वेटिंग भी हो गई है, अब लगते हैं बाकी कामों पे। ये मैं अपने साथ कैल्सी पी रही थी एक्सरसाइज करते करते, एंड ये रहे मेरे ट्यूलिप फ्लावर्स जो मैंने फाइनली सेट कर दिए। और मैंने वास चेंज किया है क्योंकि ये इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सो यस, दिस इज़ द अपडेट। और क्योंकि आज मैं बाहर गई हुई थी और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, तो देखिए ज़रा किचन का क्या हाल हुआ है। ये सारा सामान तो मैंने अभी जगह पर रखना है, ये धुले हुए बर्तन है जो मैंने जगह पर रखने हैं, और ये सारा जो वावेला मचा हुआ है ये मेरे मियाँ जी ने खाना निकाल के सिर्फ गर्म किया है, ये उसका सारा है। सो बस अब मैं लगूंगी फटाफट इस सब को क्लीन करूंगी, बट उससे पहले जल्दी से क्विक शावर लेके चेंज कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, सो आई थिंक द लास्ट क्लिप जो मैंने बनाया था वो यही बनाया था, मैंने अपनी एक्सरसाइज आई थिंक ख़त्म की थी, बट उसके बाद हुआ कुछ ये कि मेरी कमर में कोई ऐसी चुक आई है ना, कुछ एक्सरसाइज करते हुए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैंने कुछ ना गलत पोस्चर कर लिया, और उसके बाद मेरी कमर के एक साइड पे बहुत शदीद पेन हो रहा है, पूरा मुसलसल पेन नहीं है बट वो एक एंगल पे पेन हो रहा है। और उसके बाद फिर मैं कुछ वीडियो शुरू नहीं कर पाई, इनफैक्ट मैं किचन वगैरह भी क्लीन नहीं कर पाई अपना, मेरा सारा किचन वगैरह ऐसे ही गंदा था, मैंने बस खाना खाया और उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ सोफे पे आई टीवी पे कुछ देखने के लिए, और मैं वहीं पे ही सो गई। तो हस्बैंड ने भी मुझे तंग नहीं किया, आई थिंक कल का दिन बहुत हैक्टिक हो गया था, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सो उसको लाइट ही लेना चाहिए, ज़बरदस्ती खुद को पुश नहीं करना चाहिए। और ये देखिए वैसी का वैसी है मेरा किचन, और अब पूरी रात ही ऐसे ही रहा, सो अब मैं इसको ठीक करूँगी। एक्चुअली हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ, मेरे भी बैड डेज आते हैं, मेरे भी ऐसे दिन आते हैं जब मैं चीज़ें सही से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाती। सो यस, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश और बर्डन नहीं करना चाहिए, अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांगे तो रेस्ट भी देना चाहिए। पर चलें अब लगते हैं, सबसे पहले तो मैं वैसे ही लेट उठी हूँ, हस्बैंड उठ के सुबह से काम कर रहे हैं, जबकि आज सैटरडे है, बट उनका आजकल वर्क लोड थोड़ा ज़्यादा है तो वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। मैं फटाफट उनको नाश्ता देती हूँ, उसके बाद किचन साफ करूँगी। ये है जी हमारा अमेजिंग सा सैटरडे ब्रेकफास्ट, पराठे, और जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो ये फ्रोज़न पराठे बहुत हैंडी होते हैं, बहुत काम आते हैं। सो आज वही हुआ, मैंने ये बना लिए हस्बैंड के लिए साथ में, ये आलू चिकन कटलेट है, ये वो चिकन है जो मैंने खुद कल रात डिनर में मैरिनेट की थी, ये लेफ़्ट ओवर है, सो इट्स जस्ट एयर फ्राइड चिकन, कुछ टिक्का टाइप विदाउट ऑयल। ये आलू कटलेट है, इसको भी मैंने विदाउट ऑयल फ्राई करने की कोशिश की तो बेचारा थोड़ा ऐसा अजीब सी शक्ल का हो गया, बट चलो कोई नहीं, हेल्दी होगा। और साथ में है ये ऑमलेट विद लॉट्स ऑफ हरी मिर्चे एंड प्याज, मेरी ब्राउन ब्रेड, ग्रीन टी, हस्बैंड की टी। सो बस अब ये मज़े सा हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आज के कामों पे लगेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होके मैं यहाँ पे बैठी हुई अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही थी, और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हुई थी तो मुझे मज़ा आ रहा था यहाँ बैठ के।
जैसे अक्सर बारिशों के बाद अच्छी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चलती है ना, वैसी चल रही थी, तो मैं ज़रा यहाँ पे बैठ के उसको एंजॉय कर रही थी। इनफैक्ट फ़ैन की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मैंने थोड़ी देर में उठ के ये फ़ैन भी बंद कर दिया था। हवा इटसेल्फ काफ़ी अच्छी प्रेजेंट विंड थी। और इसी के साथ आज की मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। थोड़ा लो डे है तो इसको ऐसे ही आज स्पेंड करते हैं, मगर तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।